साथियों नमस्ते, मैं महादेव ये बोल रहा हूँ। मैं आप लोग के बीच में एक इशू के लिए कहता, रिक्वेस्ट ट्रांसफर। हम लोग रिक्वेस्ट ट्रांसफर हम लोग डिपार्टमेंट एम्प्लॉयज के लिए एक वीडियो डाला था, सोशल मीडिया में हम लोग नज़र डाला, व्हाट्सअप इत्यादि में कुछ जगह में फ़ोन करके बताया गया, मुझे कुछ ईमेल्स आया, इसका मुताबिक कुछ जगह में डाटा वगैरह एंट्री नहीं किया करके हम लोग पिछली हमारा यूनियन का डीजी के साथ मीटिंग में इस इशू पर चर्चा किया। ये ऑल इंडिया का प्रॉब्लम नहीं है, डिवीजन का लेवल में। यदि आप लोग का इस तरह डिकेट फोन नंबर इत्यादि अपलोड में समय हो तो जल्दी आपका प्रशासन का एसपी एसएसपी के सामने देख के आके इसका ये कर सकता। ये पिछली तरफ से इस बार थोड़ा सुधार है, तो मालूम होगा ये एक साल सर्विस पूरा होना चाहिए, आप लोग का पुलिस वेरिफिकेशन हो गया, अपॉइंटमेंट आर्डर मिलना चाहिए, आप लोग का म्यूचुअल ट्रांसफर भी है, इस पर भी आप लोगों को दिमाग करना है। हम लोग इस संबंध में भी एक वीडियो आर्डर कापी हमारे वेबसाइट और पत्रिका में मिलता है, इस पर भी देखिए कितना लोग मिलेगा। ये एक डीजी बोल रहा था बिना पैसा का किसी का कितना परेशानी होता था पहले, अभी ऑनलाइन हो गया, साल में 3-4 बार रिक्वेस्ट ट्रांसफर देगा, क्योंकि हमारा में भी एक बीडर केडर है, प्रमोशन होता रहता है और कुछ लोग वॉलंटरी जाता है, कुछ लोग रिटायरमेंट होता है, इस तरह पदों में आप लोग जा सकता है, इसके लिए हम लोग कोशिश कर रहा है। साथियों आप लोग धीरज करके जाको जल्दी, मतलब एक बार आप सिलेक्शन हो गया रिक्वेस्ट ट्रांसफर में, आप अदर नहीं गए हो तो आपका एक को दिया गया अवकाश खत्म हो जाएगा। आपका मालूम है ना, जेंट्स जीडीएस के लिए 2 बार रिक्वेस्ट ट्रांसफर के लिए है, और वुमेन्स एम्प्लॉयज के लिए 3 बार का रिक्वेस्ट ट्रांसफर का अवसर दिया है। और इसमें और एक शर्त है, आप 1 साल पूरा होने के बाद यदि आप ए बीपीएम से बीपीएम आओ तो ए बीपीएम का 5 घंटा का काम होना चाहिए, यदि बीपीएम का पोस्ट 4 घंटा का होना चाहिए। ए टाइम में मतलब पे स्केल लेके इधर चल के देने के लिए अवसर है, पहले नहीं दिया था, अभी कुछ साल से दे रहा है। इसलिए यदि बीपी ने पहले स्केल में है 12,000 में, ये बीपीएम में आना चाहिए वो तो ये बीपीएम का 5 घंटा स्केल में उन्होंने अप्लाई करना पड़ेगा। इसलिए इस तरह आप लोगों देख के नजदीक जाने के लिए प्रयास करिए। 2 बार आप लोग का मालूम है नया लोग तो रिक्वेस्ट ट्रांसफर होगा बहुत, इस बार 35,000 लोगों प्रमोशन भी ले लिया है। इस तरह हर वक्त कुछ कुछ साल के बाद हर साल 30,000-40,000 नहीं होगा, हाँ कुछ चंद हजार 10,000-20,000 जीडीएस से प्रमोशन होता रहता है। इसलिए इस दिया गया समय अभी से 10 तारीख 18 तक को आप लोग का अप्लाई करने का अवसर है, इसलिए मैं एक छोटा वीडियो बना के आप लोग के पास भेज रहा हूँ। और 18-19-20 तक आपका करेक्शन के लिए, आप गलत किए हो तो इसको करेक्शन एडिट करने के लिए आपसे ऑप्शन दिया है, इसलिए इसके अंदर आप ठीक ठाक अभी डीजी ने बोला, आप लोगों को बोलो कोई दिक्कत आए तो एसएसपी से बात करके, एसएसपी ऑफिस से डिविजनल ऑफिस से बात करके इस डाटा वगैरह अपडेट करने के लिए बताने के लिए बोला है। इसलिए मैं कुछ लोगों वीडियो पहले भी हमारा कुछ 5-6 हज़ार लोग देखा था, इसलिए उनके लिए एक छोटा वीडियो बना के डाल रहा है। आप पूरा इसका कोई कहीं हो तो हम लोग का ध्यान में लेके आना, इस पर हम लोग देखें। मुझे व्हाट्सअप में मैसेज भी आया है, ये एसएसपी के साथ आप एसपी एसएसपी के साथ टेकअप करके इसका प्रॉब्लम सॉल्व हो सकता करके मुझे कुछ ग्रुपों में लिखा गया था, इसी का मैं डिपार्टमेंट का फॉरवर्ड करके इस संबंध में चर्चा किया है पिछले हम लोग डीजी के सामने और कंसर्न्ड ऑफिसर्स का भी, ये लोग अग्री किया। इसलिए आप लोग रिक्वेस्ट ट्रांसफर में अप्लाई करके कुछ लोग का मदद होगा, इसमें कोई कठिनाई नहीं है, ये मदद ऑटोमेटिक रिक्वेस्ट ट्रांसफर होता है, ये एक अच्छा बात है, इसका आप लोग यूज़ करके इसका सफल बनाएं। धन्यवाद, थैंक यू।